सुप्रभात बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण संबोध के अंतर्गत शब्द भंडार का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जिस प्रकार अनाज का भंडार होता है, उसी प्रकार यहाँ हम शब्दों के भंडार देखेंगे। आइए देखते हैं शब्दों का भंडार। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। आइए देखते हैं रिश्ते नाते संबंध सूचक शब्दों के पर्यायवाची। यहाँ देखिए, माँ अपने बच्चे को पकड़ी हुई है, तो इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। कोई मम्मी कहते हैं, कोई माँ, कोई अम्बा, कोई जननी, लेकिन इसका अर्थ एक ही होता है। आगे देखते हैं मनुष्य। देखिए, कोई मनुष्य खड़ा हुआ है पिक्चर में, चित्र में। इन्हें भी कोई आदमी नाम से पुकारेंगे, कोई मानव कहते हैं, कहीं नर लिखा रहता है और कहीं मनुष्य, लेकिन इसका अर्थ एक ही है। बाल। देखिए, यहाँ एक बच्चा खड़ा हुआ है, तो कोई इसे बच्चा कहेगा, कोई लड़का कहेगा, कोई बालक कहेगा, कोई बाल कहेगा, लेकिन अर्थ तो एक बालक से ही, एक बच्चा से ही है। तो ये क्या कहलाएंगे? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये सारे क्या बता रहे हैं हमें? समान अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। पशु पक्षी संबंधी शब्दों के पर्यायवाची पिक्चर में देखेंगे, चित्र में है आप लोग। मोर। मोर को कोई नीलकंठ नाम से पुकारता है, कोई मयूर नाम से, कोई केकी, लेकिन पक्षी तो वही है। आगे देखते हैं घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तुरंग, अश्व, घोटक आदि नामों से इन्हें जाना जाता है, पुकारा जाता है। स्क्रीन पर देखिए क्या है यहाँ। मक्षिका, इसे मक्खी भी पुकारते हैं, माछी भी कहते हैं और माखी भी, लेकिन मक्षिका ही है, ये माछी ही है। विविध नाम भले ही हैं, लेकिन उसके अर्थ समान हैं। प्रकृति संबंधी शब्दों के पर्यायवाची। यहाँ एक नदी का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। नदी को कहीं सरिता लिखा जाता है, तो कहीं तरंगिणी और कहीं तटिनी, लेकिन इसका तो अर्थ एक ही होता है, नाम भले ही विविध हों। अग्नि। देखो यहाँ क्या चल रहा है, अग्नि, इसे पावक भी कहते हैं, आग भी, अनल भी, तो सारे शब्दों के एक ही अर्थ है। पृथ्वी। पृथ्वी के भी विविध नाम हैं, धरती, अवनी, वसुधा, वसुंधरा आदि। मानव अंगों से संबंधित शब्दों के पर्यायवाची। नेत्र। नेत्र को कोई चक्षु कहता है, कोई नयन, तो कोई लोचन। इसी प्रकार हाथ। हाथ को पाणी, कर, हस्त आदि विविध नामों से जाना जाता है। शरीर। शरीर को भी कोई काया कहते हैं, कोई गात कहते हैं, तो कोई अंग कहते हैं, लेकिन इनके नाम भिन्न भिन्न हो जाने से अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। धर्म। देवी देवता संबंधी शब्दों के पर्यायवाची। देखिए कौन माखन खा रहे हैं यहाँ पे? श्री कृष्ण जी। इन्हें नंदलाल, गिरिधर, केशव, श्याम, माखन चोर आदि अनेक नामों से इन्हें पुकारा जाता है। माँ सरस्वती। चित्र में हम देख रहे हैं, इनको देख के ही पहचान गए हैं कि ये विद्यादायिनी है, तो एक नाम तो विद्यादायिनी ही हो गया, है ना। ज्ञानदा, भारती, वागेश्वरी, महाश्वेता आदि विभिन्न नाम हैं इनके, लेकिन इनके नाम भिन्न भिन्न हो जाने से इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होंगे। अप्सरा।
देवांगना, दिव्यांगना, सुरबाला आदि विविध नाम से इनको पुकारा जाता है। अवस्था भाव स्थिति संबंधी शब्दों के पर्यायवाची। देखो एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, इसमें स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इन्हें बूढ़ा भी कहते हैं, बुढ़ापा, जरा, जीर्णावस्था, वृद्धावस्था आदि विविध नामों से इस अवस्था को पुकारा जाता है। स्क्रीन पे देखिए इतने सारे बच्चे आनंदित दिखाई दे रहे हैं, हर्षित दिखाई दे रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो इनके भी अनेक नाम हैं, इनके ये भाव हैं। आनंदित होना एक भाव है, लेकिन इनके भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, हर्ष, आमोद, उल्लास, सुख आदि। आइए देखते हैं पर्यायवाची का प्रयोग। आकाश में मेघ घिर आए, आकाश में बादल घिर आए। यहाँ मेघ और बादल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए दोनों में अर्थ परिवर्तन नहीं होंगे। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला प्रयोग। तेज हवा चलने से पेड़ गिर गया, तेज वायु चलने से पेड़ गिर गया। तो यहाँ हवा और वायु दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आपके अभ्यास पुस्तिका में इनके उदाहरण दिए गए हैं, इनके क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, इसको आप लोग इसके माध्यम से हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, रात होते ही पक्षी लौट चले, रात होते ही पखेरु लौट चले। इस तरह से पर्यायवाची का प्रयोग करके हम अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं विलोम शब्द। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं विलोम शब्द। आधुनिक, आधुनिक का विलोम शब्द उल्टा क्या है? प्राचीन। अनुज, अनुज का उल्टा अग्रज। बड़ा, बड़ा का उल्टा छोटा। हंसना, हंसना का उल्टा क्या होगा? रोना। दिन का उल्टा रात, अधिक का उल्टा न्यून। और भी यहाँ कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। गर्म का उल्टा होगा ठंडा, सुख का उल्टा दुख, लाभ का उल्टा हानि, अच्छा का उल्टा बुरा, और जन्म का मरण, शुद्ध का अशुद्ध। इस प्रकार से हम विलोम शब्द को लिख सकते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द के प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? व्यक्ति में गुण और दोष दोनों पाए जाते हैं। दूसरों के हित अनहित का भी ध्यान रखना चाहिए। न्यायालय में धनी निर्धन सब एक समान है। पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। यहाँ हित का विरोधी शब्द है अनहित, धनी का निर्धन और आकाश का पाताल। इस तरह से ये विलोम शब्दों का प्रयोग हमें अपने साहित्य में दिखाई देते हैं। अनेकार्थक शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए हरि, हरि केवल विष्णु भगवान को नहीं कहते हैं, इंद्र जी को भी हरि कहा जाता है, बंदर को भी हरि कहते हैं, सूर्य को भी हरि कहते हैं। यानी हरि से अनेक अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पर एक हरि लिख देने से केवल विष्णु जी समझना पर्यायवाची कहलाएगा, लेकिन ये पर्यायवाची नहीं है, ये क्या है? अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक शब्द का तात्पर्य है अनेक अर्थ प्रकट होने वाले शब्द।
सारंग। सारंग कहने से केवल सांप नहीं होता, कामदेव, धनुष, पुष्प, हिरण, मोर आदि इनके अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। इसी प्रकार गुण, गुण से तात्पर्य होता है शील, कौशल, स्वभाव, धनुष की डोरी, रस्सी आदि अनेक अर्थ होते हैं। इसी प्रकार मधु, मधु से तात्पर्य केवल शहद से नहीं है, बसंत, मदिरा, एक दत्त्य का नाम भी मधु, चैत मास, इस तरह से मधु के अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। तात, तात यानी बड़ा भी होता है, तात यानी पूज्य भी होता है, तात यानी भाई भी होता है, और तात यानी प्यारा भी होता है, तात यानी मित्र भी होता है, और तात यानी पिता भी होता है। यानी एक तात से अनेक अर्थ निकलकर सामने आ रहे हैं। इससे इसका तात्पर्य है अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द से। सर, सर यानी होता है दूध, पानी, तालाब, पृथ्वी, मधु, गंगा, अमृत, इतने सारे अर्थ निकलते हैं एक सर बोल देने से, लिख देने से। वो वाक्यों के आधार पर अपने अर्थ ग्रहण करते हैं। पर का प्रयोग देखते हैं। पवन ने मेज पर किताब रखी। यहाँ पर से तात्पर्य है के ऊपर। पवन ने मेज के ऊपर किताब रखी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। गौरैया पर फैलाकर उड़ गई। यहाँ पर गौरैया एक पक्षी है। पर अर्थात होता है पंख। गौरैया पंख फैलाकर उड़ गई। पर का अगला अर्थ क्या होता है आगे देखते हैं। वह आया पर मैं उससे मिल ना सकी। यहाँ पर से तात्पर्य लेकिन से है, यानी पर लिखा है और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। अनेकार्थक शब्द की ये पहचान है। पर यानी परंतु भी होता है। उदय बहुत अच्छा लड़का है पर उसमें घमंड भी बहुत है। यहाँ पर से तात्पर्य परंतु से है। आगे और उदाहरण देखते हैं अनेकार्थी शब्दों के। यह लाल चुनरी अच्छी है। चुप हो जा मेरे लाल। ऊपर लिखे लाल रंग को प्रदर्शित कर रहा है और दूसरे लाइन में लिखे लाल पुत्र को प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात लाल शब्द के अनेक अर्थ हैं, जिसमें यहाँ दो अर्थ प्रयोग में आए हैं। पहला लाल रंग से और दूसरा लाल यानी पुत्र से। आगे देखते हैं। मेरे 2 लाख रुपए घट गए। यहाँ घट जाने से तात्पर्य है कम हो जाने से। दूसरा घट से तात्पर्य देखते हैं। घट घट में ईश्वर व्याप्त है। यहाँ घट से तात्पर्य है कण से, कण कण में ईश्वर व्याप्त है। एक और उदाहरण देखते हैं हम अनेकार्थी को लेकर एक दोहा के माध्यम से। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहला अर्थ मनुष्य से है, दूसरा अर्थ चमक से है और तीसरा अर्थ जल से है। इस तरह से हमें साहित्यों में, काव्यों में, गद्य काव्यांश में हमें अनेकार्थी शब्द दिखाई देंगे, जिसे हमें पहचानना होगा। बच्चों, कई शब्द अपने में विस्तृत अर्थ समेटे होते हैं। वह नज़र तो एक आता है परंतु उसमें अनेक शब्द समाये होते हैं। ऐसे शब्दों को ही एकार्थी शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ये शब्द प्रायः संस्कृत से लिए गए हैं। आइए परिभाषा जानें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या एकार्थी शब्द। भाषा में अनेक शब्दों के स्थान पर जिस एक शब्द को बोलकर भाषा को अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाया जाता है,
उस एक शब्द को एकार्थी शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण देखें, जो देश की रक्षा करे से क्या कहते हैं? सैनिक। साथ पढ़ने वाले, सहपाठी। जादू दिखाने वाला, जादूगर। जन्म से अंधा, जन्मांध कहलाता है। इसी प्रकार भेड़ बकरी को पालने वाला, गड़रिया। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञानी। जो किसी से ना डरे, निडर। पत्र बांटने वाला, डाकिया कहलाता है। जिसके मन में दया हो, दयालु। जिसे गिना ना जा सके, अनगिनत। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। तो ऐसे शब्दों को विस्तार से ना लिख करके एक शब्द में बोला जाता है, लिखा जाता है, इसीलिए इसे एकार्थी शब्द कहते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो एक या आधे अक्षर या मात्रा अंतर के बावजूद सुनने में, देखने में, पढ़ने में एक से लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत अंतर होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम अर्थात सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द, या भिन्नार्थक, भिन्नार्थक से तात्पर्य अर्थ में भिन्नता रखने वाले शब्द कहे जाते हैं। आइए परिभाषा समझें। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनका उच्चारण प्राय समान होता है किंतु अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण देखें, कंगाल और कंकाल, दोनों में कितना अंतर है? ग और क का अंतर है, लेकिन अर्थ में कितनी भिन्नता आ गई है। देखिए, कंगाल यानी गरीब और कंकाल यानी हड्डी का ढांचा। इसी प्रकार अवधि और अवधि, अवधि छोटी की मात्रा के नाम से काल या समय, और इसका मात्रा भिन्नता के कारण अवध की एक भाषा के नाम से जाना जाता है। दोनों में सामान्य सी भिन्नता है, लेकिन इसके अर्थ में विशेष भिन्नता है। कुल, कुल यानी होता है वंश। कुल, कुल कहा जाए तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ बदल जाएगा, किनारा हो जाएगा। अनिल, अनिल यानी होता है हवा। यदि यहाँ पर ई का मात्रा ना लगे, अनल हो जाए, तो इसका अर्थ में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला हो जाता है। देखिए, हवा और आग में कितनी भिन्नता है। अगम, अगम जहाँ पहुँचा ना जा सके। आगम यानी शास्त्र। चिंता और चिता में भी देखेंगे, चिंता यानी होता है दुविधा में रहना और चिता यानी सौ चलाना। नीर, नीर यानी होता है जड़, जल। और नीड़ यानी घोषणा। बंद यानी खुला नहीं और बद यानी बुरा। देखिए एक बिंदी के कमाल को आप। बंद यानी जो बंद रहता है, एयर पैक रहता है, उसे हम बंद डिब्बा कहते हैं ना, और यहाँ बद कह देने से बुरा इसका अर्थ हो जाएगा। तरंग, तरंग यानी होता है लहर, लेकिन तुरंग यानी घोड़ा। देंगे आज की क्लास में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।